छोटे छोटे मासूम बच्चे, ये बुजुर्ग और ये औरतें पानी के लिए तरस रहे हैं कि अगर टैक्स लिया गया, जीआर काटी गई, फिर पानी क्यों नहीं। मैं स्कूल जाती हूँ, रास्ता नहीं है। 70 साल तक आज तक गवर्नमेंट ने इतना कोई फायदा ऐसा की नहीं बचाया गया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं आपका मेज़बान राहिल गनी। आज हम डिजिटल इंडिया की वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि जिस तरीके से आज 2021 और आज भी आप देख सकते हैं कि यहाँ के ये वास्ते आज बहुत तरस रहे हैं। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे, ये बुज़ुर्ग और ये औरतें पानी के लिए तरस रहे हैं। बिजली पानी का मसला, जिस तरीके से सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि बिजली और पानी को हम हर घर तक पहुँचाने के लिए अज़म उठाते हैं, हम न जाने कौन कौन सी कसम करते हैं, ये तमाम बातें जिस तरीके से जो सरकारी नुमाइंदे हैं वो भी, और जो गैर सरकारी नुमाइंदे हैं जिनको हम सियासतदान कहते हैं, वो भी बड़े बड़े वादे और दावे करते हैं। ये तस्वीरें जो हैं ये थन्नामंडी टाउन की हैं, वार्ड नंबर 4 है, और ये छोटे छोटे बच्चे आप देख सकते हैं कि आज एक छोटे से बर्तन ले कर ये एहतजाज कर रहे हैं, महकमा के ख़िलाफ़ ये एहतजाज कर रहे हैं कि आखिर हमारा कसूर क्या है, आखिर हमारी क्या गलती है कि जो पानी भी हमें नहीं मिल रहा है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा इन बुज़ुर्गों के हाथ में दिखाया जाए कि इनके पास जीआर भी काटी हुई है, 3000 पे गालबन इन्होंने जीआर जो है वो काटी हुई है, इस पर मेंशन किया हुआ है 2015 से 2016 के बीच में ये काटा गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि टैक्स भी गालबन इसमें 1400 रुपये को टैक्स भी है और 1600 रुपये वो फीस है, कुल मिलाकर 3000 रुपये जो हैं। बात ये कहने की है कि अगर टैक्स लिया गया, जीआर काटी गई, फिर पानी क्यों नहीं। अगर ये छोटे छोटे बच्चे आज 2021 में भी पानी के लिए सरापा एहतजाज हैं तो हम किस माशरे में ज़िंदा हैं, हम किस समाज में रहते हैं, हम सरकार के वो कौन से दावे ग्राउंड पे साबित हुए हैं, ये आप बखूबी देख सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि खेत से एक पाइप छोटी सी काट के लगाई हुई है और अपना बर्तन भर रहे हैं, क्या वो पानी पीने के काबिल है। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे बिल्कुल विजुअल्स बिल्कुल सामने कि क्या वो पानी पीने के काबिल है या वो पानी इस्तेमाल करने के काबिल है। ये वही पानी गंदे नाले से आ रहा है जो सिंचाई के लिए काम कर रहा था, जो खेती बाड़ी के लिए ये लोग इस्तेमाल करते थे, लेकिन मजबूर हो गए ये बच्चे आज यही पानी पीने पर। आखिर इंतज़ामिया सोई हुई क्यों हैं, आखिर महकमा जल शक्ति जो बड़े बड़े दावे और वादे करता है, आखिर वो सोया हुआ क्यों है। आइए हम बात करते हैं यहाँ के मकामी लोगों से और जानते हैं कि उनकी क्या परेशानी है। नाम है और 70 साल बीच मेरी उम्र जारी रही है और जिसने भी असा की कोई रास्ता कोई पानी कोई बेनिफिट असें नहीं मिले, एक बलम जड़ा टाउन की तरफ वो भी नहीं है। पानी वास्ते अस बहुत तरस रहे हैं, साड़ा पानी ना कोई हल नहीं है। इतना एक किला है जड़ा रंगजेब ने टाइम ने बनया ना, उसनी रारली साइड अस रहने वाले हैं वार्ड नंबर 4 बिच, ते कोई नहीं कोई साड़ा हल किया जाए और अस इस चीज़ ने बहुत परेशान हाँ, खासकर पानी रास्ता साड़ा जड़ा ये नहीं, क्योंकि असें जिस वक्त खेतें पानी लगी जाना है वो दाएं बाएं पानी पानी होना है और ये जड़ी जमीन नहीं है आ भी नहीं है, इन बिच गुजरने का कोई कारण नहीं है, वो सारा कोई हल भी नहीं हो रहा। जड़े लोग अच्छे वोट इन्ना वास्ते मिनिस्टर अच्छे दूआ त्रीआ मैंबर अच्छे वो अपना मतलब हल करी टुर जाने, साड़ा हल कोई किसी ने आज तक एक 5 रुपये ना बलम जड़ा वो भी साढ़े वास्ते हल नहीं है। कौशल नाम है, मैं स्कूल जाती हूँ, मेरे रास्ता नहीं है, पानी नहीं है और 4 बजे अस रहने लिहाजा असं पानी आज तकर यानी टोटली इस अस पाइप लगी नहीं, तो इस गल्ला मेहरबानी करके असं डीसी साहब मेहरबानी करके असं पानी दिता जाए, बस मेहरबानी सड़ी जो कि ठेकेदार को पाइप मिली है वो कोई नहीं लगा रहे हैं, बस ऐसी पड़ी है। यहाँ 4 किलोमीटर पाइप एक मकान में सड़क के किनारे में, तो आज तक वो लगी नहीं है। शुक्रिया, हम इसी पर करते हैं।
Rakib Sir's Excellence, Paripura, Srinagar offers coaching for 11th, 12th, Arts and Commerce, all subjects with Valley's top faculty on board. Visit Rakib Sir's Excellence, Paripura, Srinagar. Call on 9622-888-333, 9469-888-333.